दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये हमारे पितरों के लिए है। जिस प्रकार से हम जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए सभी कुछ कार्य करते हैं, इसी प्रकार से उनके जाने के पश्चात भी उनके लिए पूजा पाठ और कुछ कार्य किए जाते हैं। प्रतिदिन सभी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग पितरों के निमित्त दीपक भी जलाते हैं, लेकिन अधिकांश घरों में पितरों का पूजन इन 15 दिनों में जरूर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप इन 15 दिनों के पितृ पूजन का महत्व बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पितृ पक्ष के समय में आपके पितृ धरती लोक पर होते हैं। हर किसी के परिवार के पितरों को पितृ लोक पे आने की परमिशन मिलती है, यानी कि यह पितृ पक्ष का वह समय होता है जिस समय कि सभी पितृ धरती लोक पर आते हैं और धरती लोक पर आकर वो इंतजार करते हैं कि हमारे जो वंशज हैं, जो हमारी पीढ़ी है, हमारी जो संतान है, वो हमारे लिए कुछ करें। तो इसलिए पितृ पक्ष के समय में आप अपने पितरों के लिए जो कुछ भी करते हैं उस सब का दान धर्म तुरंत ही उनको प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप वो आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वहीं इसके विपरीत जो लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसे में उन पर पितृदोष लग जाता है और पितृदोष के प्रभाव के कारण वो जो भी कार्य करते हैं उसी कार्य में उनको असफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर आप एक बात को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि यदि आपसे देवता किसी कारणवश नाराज हो गए हैं तो आप उनको बहुत ही सहज तरीके से मना सकते हैं, लेकिन यदि किसी बात पर आपके पितर आपसे रुष्ट हो गए हैं तो आप उनको नहीं मना सकते। पितरों को मनाने में पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि पितृदोष क्या होता है, और यदि आपके परिवार पर पितृदोष लग गया है तो ऐसे में चाहे आप कितना भी धन संपत्ति कमा लें, लेकिन आप कभी भी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में पितृपक्ष का जो यह 15 दिन का समय होता है, यह बहुत ही सुनहरा मौका है जिस समय कि आप अपने पितरों के लिए कुछ दान दक्षिणा, कुछ धार्मिक कार्य करें जिससे कि आपके पितर आपसे खुश हो जाए। क्योंकि दोस्तों, पितृदोष बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। जिस किसी की कुंडली में पितृदोष होता है उसको कई तरह का मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष की बात, यदि किसी दोष को खतरनाक माना जाता है तो वह है पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष में भी व्यक्ति को काल सर्प दोष की तरह ही फल भोगने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और धन दौलत की प्राप्ति होती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और सफलताएं बहुत ही कम मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए दोषों में सबसे ज्यादा प्रभावी दोष काल सर्प दोष और पितृदोष को माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी को ही पितृदोष कहा गया है। आइए अब जान लेते हैं कि क्या होता है पितृदोष। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती है तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती है। इसी को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं या फिर उन्हें कष्ट देते हैं, इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती है और इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। आइए प्रकाश डालते हैं इस बात पर कि कुंडली में किस प्रकार से पितृदोष बनता है। तो ज्योतिष घटनाओं के हिसाब से जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव और पांचवे भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष बनाते हैं। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाग में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या फिर त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे में भी उस व्यक्ति को पितृदोष लगता है। आइए अब जानते हैं कि पितृदोष के क्या लक्षण हैं।
जब किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, सगाई टूट जाती है, वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भाधारण करने में समस्याएं आती हैं, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्ची का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की भी लत लग जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि पितृ पक्ष का क्या महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे पूर्वजों की तीन पीढ़ियों की आत्माएं स्वर्ग और नरक के बीच में पड़ने वाले पितृलोक में निवास करती हैं। इस जगह पर यमराज का शासन होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति मरता है उसे यमराज पितृलोक में ले जाते हैं। उसके पश्चात पहली पीढ़ी स्वर्ग या फिर नरक में जाती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान इन तीन पीढ़ियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं और धरती पर ही निवास करते हैं, तो ऐसे में उनके परिवार जन विभिन्न तरीके से अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। इस दौरान अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप इस समय कुछ ना कुछ उपाय जरूर कीजिए जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिससे कि पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर अपने मार्ग को प्रस्थान करें। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अनुष्ठान करना सबसे प्रमुख माना जाता है। यदि आपके घर में पितृदोष नहीं है तब भी पितरों की संतुष्टि के लिए आप पिंडदान जरूर करें। इससे सभी पितरों को मुक्ति मिलती है और घर के सभी दोष समाप्त होते हैं। पिंडदान करते समय चावलों के पिंड बनाएं और पूर्वजों के नाम से अर्पित करें। पिंडदान कई विशेष जगहों पर किए जाते हैं, जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज और गया में। आप वहां पर जाकर भी किसी पंडित जी को बुलाकर अनुष्ठान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को दान करें और जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाएं। यदि आपके घर में पितृदोष है तो आप पितृ पक्ष की अवधि के दौरान ब्राह्मण को घर में आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं और जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की चीजें दान में दें। ऐसा करने से पूर्वज की आत्मा को शांति मिलती है और सभी प्रकार के पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप ब्राह्मण को गोदान करें और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। यदि आप पितृपक्ष के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं तो आपके घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय से मुख्य रूप से पितृदोष को समाप्त किया जा सकता है। इससे आपके घर में समस्त प्रकार के पितृदोष से होने वाले संकट भी टल जाते हैं। पितृपक्ष की अवधि के दौरान नियमित रूप से हर सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और साथ ही साथ सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित करें। इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। इसके अलावा प्रत्येक महीने पड़ने वाली अमावस्या पर भी आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो ऐसे व्यक्ति को इसका उपाय जरूर करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हर अमावस्या पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को 1.25 किलो चावल लाकर रोज अपने ऊपर से एक मुट्ठी चावल 7 बार उतारकर पीपल की जड़ में डाल देनी चाहिए और लगातार इसी प्रकार से 21 दिन करने से पितृदोष से राहत मिलती है। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा है तब जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना चाहिए और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने वड़े हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है। प्रत्येक साल पड़ने वाली पितृ अमावस्या पर या फिर जिस तिथि को आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है उस तिथि पर पितृदोष शांति विधिवत कराना भी पितृदोष को समाप्त करता है। आइए अब जान लीजिए कि साल 2024 में पितृपक्ष कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है 17 सितंबर दिन मंगलवार से और इसका समापन होगा 2 अक्टूबर दिन बुधवार को।
पितृपक्ष की प्रमुख तिथियां कुछ इस प्रकार है। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर दिन मंगलवार, प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर दिन बुधवार, द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर दिन गुरुवार, तृतीय श्राद्ध 20 सितंबर दिन शुक्रवार, चतुर्थी श्राद्ध 21 सितंबर दिन शनिवार, पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर दिन रविवार, षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध 23 सितंबर दिन सोमवार, अष्टमी श्राद्ध 24 सितंबर दिन मंगलवार, नवमी श्राद्ध 25 सितंबर दिन बुधवार, दशमी श्राद्ध 26 सितंबर दिन गुरुवार, एकादशी श्राद्ध 27 सितंबर दिन शुक्रवार, द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर दिन रविवार, त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर दिन सोमवार, चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर दिन मंगलवार और सर्वपित अमावस्या 2 अक्टूबर दिन बुधवार। इसी के साथ समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।